सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ सऊदी अरब से रिलेटेड सवाल जवाब के बारे में, क्योंकि आप लोगों की तरफ से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो इसमें इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि खबरों के साथ हम आपको सबूत भी देते हैं। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए, उर्दू न्यूज़ से यहाँ पर सवाल किया है, शेर बहादुर ने पूछा है, मेरा फाइनल एग्जिट लगा था, इसकी मुद्दत यानी 60 दिन गुजर चुकी है, मैं सऊदी अरब में ही हूँ, क्या करना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पे उनका सवाल है कि उन्होंने अपना फाइनल एग्जिट लगाया था, यानी खुरूज निहाई लगवाया था उन्होंने, और जैसा कि आपको मालूम है कि जवाजात की तरफ से जो है फाइनल एग्जिट लगने के बाद 60 दिन का टाइम मिलता है, यानी 60 दिन के अंदर अंदर आपको सऊदी अरब छोड़ना पड़ेगा, यहाँ से आपको जाना पड़ेगा। अब उनका यहाँ पे सवाल है कि 60 दिन जो है गुजर गए हैं और वो जो है अभी भी सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पे जो उर्दू न्यूज ने इसका जवाब दिया है कि अगर सफरी पाबंदी की वजह से, यानी कोरोना वायरस की वजह से, जैसा कि आपको मालूम है अभी कि नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट जो है वो बंद है सब कंट्रियों के लिए, अगर उसकी वजह से जो है वो नहीं जा पाए, और यानी 60 दिन जो उनके फाइनल एग्जिट वीजा में उनको मिले थे वो यहीं पे एक्सपायर हो गए, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से उसको एक्सटेंड किया कर दिया जाएगा, यानी कि वो जा सकते हैं बाद में। तो देखिए, यहाँ पर उनसे कहा गया है कि अभी जो स्पेशल फ्लाइट चल रही हैं इंडिया के लिए भी चल रही हैं, जैसे वंदे भारत मिशन है, पाकिस्तान के लिए भी खसूसी परवाजें जो है चल रही हैं, तो उसमें जो करीब की तारीख हो, यानी करीब में जो फ्लाइट जा रही हो उसका टिकट बुक करके वो जा सकते हैं। अगर ये सऊदी अरब के अंदर रुकना चाहते हैं तो इनको अपना फाइनल एग्जिट जो वीज़ा है उसको कैंसिल कराना होगा, और इसको कैंसिल कराने के लिए यह शर्त है जवाजात की तरफ से कि एकामे में वैलिडिटी होना जरूरी है, और अगर एकामा भी एक्सपायर हो गया है और जो खुरूज नियाही लगा था वो भी एक्सपायर हो गया है, तो सबसे पहले जो है अगर इनको रुकना है यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर तो एकामे को बढ़वाना होगा, इसको तजदीद कराना होगा। इसके लिए अगर पहले साल में अगर ताखिर हो गई है तो ₹500 का जुर्माना है, और दूसरे साल में अगर ताखिर हो गई है तो ₹1000 का जुर्माना जमा करके इसको तस्दीद करा के और फाइनल एग्जिट को कैंसिल करा के वो दोबारा से यहाँ पे सऊदी अरब में काम कर सकते हैं। फैसल कदवानी का सवाल है, छुट्टी जाना चाहता हूँ लेकिन लोग कहते हैं अगर मुमलकत से गए तो फिर आ नहीं सकते, अब क्या करूँ? तो यहाँ पर जो उर्दू न्यूज ने इसका जवाब दिया है कि अगर छुट्टी जाना चाहते हैं अभी सऊदी अरब से अपने मुल्कों में, तो सोच समझ करके जो है छुट्टी जाइएगा, क्योंकि यहाँ से अभी छुट्टी जाने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो खसूसी परवाजें हैं उससे जा सकते हैं, या इंडिया के लिए जैसे वंदे भारत मिशन है या एयर बबल के तहत जो है जा सकते हैं, पर वहाँ से आने में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, इसलिए अगर आप जो है जाना चाहते हैं छुट्टी तो सोच समझ के जाइएगा, क्योंकि जाने के लिए तो फ्लाइट आपको मिल जाएगी पर आने के लिए वहाँ से कितना टाइम लग सकता है इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। तो देखिए, एक और सवाल पूछा गया है यहाँ पे उर्दू न्यूज़ से, सवाल पूछा गया है एकामे के हवाले से, वो पूछते हैं कि अगर एकामा एक्सपायर हो तो क्या खुरूज निहाई फाइनल एग्जिट लग सकता है, यानी कि अगर आपका एकामा एक्सपायर है और आप जाना चाहते हैं फाइनल एग्जिट सऊदी अरब से, तो क्या एकामा अगर एक्सपायर है तो फाइनल एग्जिट लग सकता है या नहीं लग सकता है? तो इसके जवाब में देखिए, उर्दू न्यूज ने बताया कि खुरूज निहाई लगाने के लिए सबसे पहले तो आपके एकामा में टाइम होना चाहिए, यानी आपका एकामा एक्सपायर नहीं होना चाहिए, और अगर यानी आपका एकामा एक्सपायर है तो पहले उसको यानी तस्दीद करा लीजिए, उसके बाद ही फाइनल एग्जिट आपका लग सकता है, और अगर एकामा एक्सपायर यानी है और उसको तस्दीद कराने में जो है ताखिर हो गई है, 1 साल अगर ताखिर हुई है तो ₹500 का जुर्माना है, और दूसरी साल में जो है ताखिर हुई है तो ₹1000 का जुर्माना है, और अगर तीसरी बार भी ताखिर हुई है तो ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा उस बंदे को जिसका एकामा एक्सपायर है, यानी फिर वो सऊदी अरब के अंदर यानी 2 साल के लिए या 3 साल के लिए या 5 साल के लिए नहीं आ सकता वापस। जाफर खान ने पूछा है कि छुट्टी पर पाकिस्तान आया था, अब छुट्टी खत्म हो गई लेकिन एकामा बाकी है, सऊदी अरब वापिस जाने के लिए क्या तरीका होगा? तो देखिए, यहाँ पर इनके ही नहीं बल्कि ये सभी लोगों का सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके भी मुझसे मालूम किया है इसके बारे में। तो देखिए, यहाँ पे इसके बारे में इंशाल्लाह जो है आपको जवाब मिल जाएगा। तो इनका जो जाफर खान का जो सवाल है, उन्होंने पूछा है कि वो पाकिस्तान गए हैं छुट्टी, और लगभग अभी जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में जो लोग छुट्टी गए हैं उनके लगभग सेम ही कंडीशन है। देखिए, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट करके भी मालूम किया था इसके बारे में कि एकामे में तो टाइम है उनका, ठीक है, पर उनका जो खुरूज होता है वो एक्सपायर हो गया है, या बहुत लोगों का ऐसा है कि एकामा भी एक्सपायर हो गया है और खुरूज वादा भी एक्सपायर हो गया है और कोई भी दोनों में से तस्दीद नहीं हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर जो है उर्दू न्यूज ने इसका जवाब दिया है कि जैसा कि आपको मालूम है कि अभी कोरोना वायरस की वजह से जो है नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट बंद है, यानी सऊदी अरब से लोग जा तो रहे हैं अभी
खसूसी परवाजों के तहत, पर सऊदी अरब में वापसी अभी किसी की नहीं हो रही है। ठीक है, और जो यहाँ पे स्पेशलिस्ट हैं वो कोरोना वायरस के केसेस को जो है गहराई से उसका जायजा ले रहे हैं, और जैसे ही हालात बेहतर होंगे फ्लाइट खुलने के बारे में ऐलान कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो सवाल है वो ये है कि एकामे में तो अभी टाइम है, पर खुरूज होना जो है एक्सपायर हो गया है, तो सऊदी अरब में वापसी कैसे होगी? तो देखिए जिन लोगों का अभी खुरूज होना एक्सपायर है या एकामा एक्सपायर है और सफरी पाबंदी की वजह से अभी वो अपने मुल्कों में जो है फंसे हुए हैं, तो ये जो है या तो गवर्नमेंट इसको दोबारा से एक्सटेंड कर देगी, यानी दो बार हो भी चुका है, बहुत लोगों का हो गया है और बहुत लोगों का बाकी है, तो इंशाल्लाह जिनका बाकी है वो भी जल्दी ही एक्सटेंड हो जाएगा। और अगर नहीं होता, जो अगर मान लीजिए नहीं होता, तो जैसे ही फ्लाइट खुलने के बारे में कोई खबर आएगी तो जिन लोगों का एकामा खुरूज होता एक्सपायर हो हुआ है तो उनके बारे में भी कोई तरीका बताया जाएगा सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। और जैसे ही इसके बारे में कोई न्यूज़ आएगी मैं वीडियो बनाकर इंशाल्लाह इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया।